अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, आप सबका इस्तकबाली ए9 न्यूज़ पर। आज 29 मार्च मंडे का दिन है। आइए नाजरीन डालते हैं आज की ए9 न्यूज़ के हेडलाइंस पर नज़र। ए9 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ और फाउंडर जनाब सलमान हफीज साहब और ए9 न्यूज़ टीम की जानिब से तेलंगाना रियासत की आवाम को तहे दिल से होली की मुबारकबाद पेश करते हैं और आवाम से गुजारिश करते हैं कि इस कोरोना वायरस वबा से महफूज रहते हुए होली का त्यौहार मनाएं। नौमूला भारत को TRS कैंडिडेट चुना गया, नागार्जुना असेंबली सीट के लिए बाय पोल के लिए। बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अजय देवगन शराब की हालत में थे और आवाम उन्हें मार रही है। ये वीडियो दिल्ली का है, ये बिल्कुल अफवाह है। पार्किंग के लिए दो लोग में झगड़ा हुआ और ये झगड़ा हाथापाई में तब्दील हो गया। पुलिस ने मुकाम हादसा पहुँच कर झगड़े में मुलविस नवीन और करणजीत को गिरफ्तार कर लिया। वाजी रहे नाजरीन, इस झगड़े से अजय देवगन का कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस ने खसूसी ऐलान किया कि नेकलेस रोड पर कोई होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। इस COVID-19 रेस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर के पास एक DCM गाड़ी को अचानक आग लग गई। आग की जद में 3 कूलर के दुकानात भी आ गए। इस हादसे में काफी माली नुकसान हुआ है। जदीद इलेक्टेड MLC वानी देवी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव की बेटी है, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई है। शब बारात के मौके पर मक्का मस्जिद और कई इबादत गाह बंद कर दिए गए थे इस COVID-19 रेस्ट्रिक्शंस के तहत। तेलंगाना रियासत में मास्क पहनना लाजमी हो गया है। तेलंगाना रियासत में 30 अप्रैल तक मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना अहम हो गया है। जो भी ये गाइडलाइंस का एहतमाम नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सेक्शन 51-60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और सेक्शन 188 IPC के तहत केस दर्ज किया जाएगा और बार बार मास्क नहीं लगाने के जुर्म में 1 महीने की जेल भी हो सकती है। कल बरोजे 28 मार्च को होली का दहन अमन व शांति से मनाया गया। मुख्तलिफ मुकामात पर होली का दहन मनाया गया, जैसे आसिफ नगर, दत्तात्रेय कॉलोनी, सीताराम बाग, कुमारवेद, धूलपेट, मंगलहाट, गंगा बौली, गुड़ी मलकापुर, आसिफ नगर, गांधी का पुतला, मंगोर बस्ती, मल्लापली और दिगर इलाकों में होली का दहन शांति से मनाया गया। शहर हैदराबाद में शबे बारात के मौके पर मुकम्मल चांद नजर आया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए ए9 न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और Twitter पर फॉलो करें। साथ ही Instagram पर भी फॉलो करें। हर अहम खबर से बाखबर रहने ए9 न्यूज़ के साथ जुड़े रहें।